हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत। आज के इस वीडियो में हम सीपीटी की प्रैक्टिस करेंगे। ये आज का प्रैक्टिस सेट 22 है। ऑलरेडी मैंने 21 प्रैक्टिस सेट सीपीटी के बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ये प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है, 20 प्लस वीडियोज़ इसके अंदर अवेलेबल है। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअल में एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर पूछी गई थी। ये मेरी शिफ्ट में ही पूछी गई थी जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये पूछा गया था आपसे एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर। एक पीपीटी बहुत ही ईजी है, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको बनाने के लिए। इवन इफ़ यू आर न्यू, आप 15 मिनट में 2 बार इसे क्रिएट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका आप एक मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप फिर लैपटॉप के अंदर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके जो आपके पास में रूल्स दे रखे हैं, जिस हिसाब से आपको इसको क्रिएट करना है, वो आपके पास में ये आपके सामने अवेलेबल है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लग के आप लैपटॉप के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलना है। एक ब्लैंक स्लाइड होगी आपके पास में, उसके ऊपर ये सारा का सब कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। आपको एक स्लाइड क्रिएट करनी है जिसमें एड टाइटल एंड एड सब टाइटल जो होगा वो वाली स्लाइड क्रिएट करनी है, जिसमें आपके पास में जो टाइटल होगा वो 42 पॉइंट्स उसकी फ़ॉन्ट साइज़ होगी, ठीक है। जो सब टाइटल होगा वो 26 का फ़ॉन्ट साइज़ होगा, और जो आपका टेक्स्ट है बुलेटेड वो आपके पास में 22 साइज़ का होगा। इवन ये आपके पास में 42 का है और ये वाला आपके पास 26 का है। ये बोल्ड भी है, इटालिक भी है, और ये आपके पास में 22 का टेक्स्ट है। और इनकी जो फॉन्ट है वो आपके पास सेंटूरी रहेगी, ठीक है। और ये जो आपके पास में नीचे टेक्स्ट दिख रहा है, रोल नंबर नेम और जो आज का डेट टाइम है, ये आपके पास 14 पॉइंट्स का रहेगा और एरियल इसका फॉन्ट साइज रहेगा। फिर इसके बाद में आपको सेव कर लेना है रोल नंबर के साथ में, जैसे कि एसएससी अंडरस्कोर और आपका रोल नंबर आगे आ जाएगा। फिर इसका प्रिंट ले लेना है, फिर आपको अपने शीट के ऊपर प्रिंट के बाद में साइन करना है, नाम लिखना है और डेट लिख देनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको 0 अवॉर्ड किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले आप न्यू स्लाइड पे जाइए। ये आपके पास में स्लाइड है, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें एक टाइटल और एक सब टाइटल आपको ईजिली दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये टाइटल और सब टाइटल आपने क्रिएट किया। अब जो आपको क्रिएट करना है वो चलना है, आपको लिखना है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। जिसका आपको फ़ॉन्ट साइज़ क्या बताया था मैंने, 42, लेकिन 42 यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, तो आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो 42, ओके। आपके पास में यहाँ पर जो वो रखना है फॉन्ट, वो रखना है सेंटूरी, वो कर लिया आपने। चलो आइए टाइप कर लेते हैं। और ये जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, अंडर लाइन में रहेगा। तो लिख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ओके, सैनिटेशन, ठीक है। तो इसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या रखना है, 26 की साइज रखनी है यहाँ पर, ओके बताया है, और सेंटूरी ही रखना है यहाँ पर भी। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सेंटूरी, ओके। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको हम लिखेंगे रूरल वाटर सप्लाई, देन आपको डालना है जल जीवन मिशन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक दो फंक्शन और दिखा देता हूँ मैं आपको, कि ये जो आपके पास में आया ये बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में जो देखा जाए ऊपर दिया गया वो साइड में है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको आराम से अलाइन कर सकते हो इस तरफ, ठीक है। ये चाहिए आपको बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो बोल्ड, आई थिंक बोल्ड नहीं चाहिए, बोल्ड एंड इटालिक दोनों चाहिए ना। एक बार इंस्ट्रक्शंस चेक कर लेते हैं हम लोग, कि जो आपका कंटेंट है वो बोल्ड और इटालिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आपके पास में बोल्ड है और इटालिक है, और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में नीचे चलना है आपको, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बुलेट टेक्स्ट लिखना है ना। तो बुलेट ये यहाँ से आएगा आपके पास में, जो मैंने ऑप्शन लिया है यहाँ से आपको लिखना है। अब सारा आपको टाइप ही करना है एक्चुअल में, है ना। तो जल, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग, है ना। एक बार लिख लेते हैं जल जीवन मिशन, ठीक है।
इसको एक्चुअल में आपको बोल्ड ही रखना है क्योंकि ऐसा ही वहाँ पर दिया गया था, लेकिन इटालिक नहीं होना चाहिए और इसका साइज़ जो होगा वो 22 होगा आपके पास में, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में इज एनविजन है ना, तो यहाँ से आप अब यहाँ से बोल्ड हटा सकते हो, इज एन विजन टू प्रोवाइड, आप लोग भी इसे टाइप कर लीजिए, अपनी टाइपिंग स्पीड को थोड़ा अच्छा कर लेना दोस्तों ताकि आपको डेस्क के अंदर भी प्रॉब्लम ना आए, एंड एडिक्वेट एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन शंस बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया। ओके सो यहाँ पर जो ये आपके पास में है ये एडिक्वेट तक ही है, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास में। और इसका जो आपके पास में टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आई थिंक आपको क्या बताया गया है, ये बताया गया है आपको कि सारा का सारा 22 बुलेट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट शुड बी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइंड, और अच्छा ठीक है ये आपका ठीक है। ओके ये देख सकते हो आप सेंटूरी के अंदर ही है आपके पास में, 22 इसकी साइज़ है। ओके सो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, ये जो आपका पार्ट है इसमें आपको बॉर्डर देनी है। बॉर्डर कहाँ से दोगे आप लोग, यहाँ से वेट में चले जाना, ऐसे लाइन सेलेक्ट कर लेना। ओके आप इसको थोड़ा गैप भी दे सकते हो, नीचे भी आप इसको ड्रैग कर सकते हो इजीली ताकि खुला खुला दिखे सारा। ओके और ये जो आपके पास में लाइन होगी बॉर्डर, ये एक्चुअल में आपके पास ब्लैक कलर की ही होनी चाहिए, तो यहाँ से ब्लैक भी सेलेक्ट कर लेना। तो ये देखो आपके पास में थोड़ा नीचे की साइड ज़्यादा झुक रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ से अलाइन टेक्स्ट में जाना, इसको मिडिल में कर देना, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा आपके पास में। ओके अब आपको क्या करना है, आपको डालना है हेडर फुटर डालना है, ठीक है। अब हम हेडर फुटर में चलेंगे, तो हेडर फुटर के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में ये आपको हेडर फुटर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, यहाँ स्लाइड और यहाँ फुटर लिखना है, ठीक है। तो फुटर मतलब कि यहाँ पर आएगा आपका रोल नंबर, ठीक है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको लिख लेना है। लेट्स सपोज आपका रोल नंबर XXX है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो डेट है वो टाइम के साथ सेलेक्ट करनी है और अप्लाई कर देना, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो इनकी साइज़ है और इनका जो कलरिंग है वो क्या है, अलग है, तो ये भी आपको रखना है 14 साइज़ के अंदर रखना है पहली बात तो, ठीक है। और ये रखना एरियल के अंदर, तो एरियल आपके पास में सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर में कर देना वरना ये दिखेगा नहीं। ओके इनको आप चाहो तो थोड़ा ऊपर ड्रैग कर लेना, ये एक्चुअल में पावर पॉइंट जो है ये 2016 का है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब इसके बाद में आपको एक अंडरलाइन दिख रही हो, एक लाइन दिख रही है चारों तरफ, ये वाली है ना, ये वाली लाइन भी हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये कैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ से ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ऐसे करके, और ऐसे सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे फिल शेप में जाना, नो कलर करना, ठीक है, फिर शेप आउटलाइन में जाना और यहाँ से फिर से इसको आप अच्छे से ये कलेक्ट बॉर्डर डाल देना, फिर यहाँ से इसका कलर चेंज कर देना, ब्लैक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ फोर की जगह एक्चुअल में आपको अपना नाम डालना है, तो यहाँ पर आप NAME नेम और जो भी आपका नेम है वो आप नेम लिख सकते हो। तो इसी के साथ में ये जो आपकी स्लाइड होगी, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 14 टेक्स्ट का ये हो गया, एरियल साइज़ हो गई इसकी। ओके और इसके अलावा अब आपको बस इसको सेव करना है, कंट्रोल एस करना, ठीक है, फाइल में चले जाना, सेव एज पे चले जाना, डेस्कटॉप के ऊपर आपको सेव करना है इसको, और किस नाम से करना है, तो वो करना है SSC _ के साथ आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको डाल देना है और आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको कंट्रोल पी कर देना है, प्रिंट कर देना, और प्रिंट करने के बाद में आप इसको अपना नाम लिख देना इसके ऊपर, फिर से पेन से
डेट लिख देना और अपना सिग्नेचर कर देना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको क्रिएट किया है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक बार और वेरीफाई कर सकते हो आप, ये वाला पार्ट है और इधर ये दूसरा वाला पार्ट है, तो हमने बिल्कुल सही से इसको बनाया है। ये अच्छा, ये इसको एक बार टेक्स्ट को चेक कर लीजिए, है ना, ये 26 की चाहिए, हमने 24 कर रखी है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और इसके साथ में इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, डन है ये। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।